Welcome to Vid for You. Please subscribe and press the bell to get latest videos updates first. सलमान खान अपने दोस्तों और करीबियों को खास और महंगे तोहफे देने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाई है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। इस बार सलमान खान ने अपनी दोस्त यूलिया वंतूर को खास तोहफा दिया है। सलमान खान और सिंगर यूलिया वंतूर काफ़ी समय से अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाते हैं। यूलिया और सलमान दोनों ने ही अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की और डेटिंग की खबरों को अफवाह बताया है। बीते 24 जुलाई को यूलिया वंतूर ने अपना जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर सलमान खान ने उन्हें एक खास तोहफा भी दिया। यूलिया के जन्मदिन पर सलमान ने उन्हें तोहफे में एक डायमंड रिंग गिफ्ट की और खबर ये भी है कि ये तोहफा सलमान को उनकी माँ सलमा खान ने सुझाया था। आपको बता दें, यूलिया वंतूर सलमान खान की फैमिली के भी काफ़ी करीब है और अक्सर सलमान की फैमिली फंक्शन में भी हिस्सा लेती है। दोनों के बीच डेटिंग को लेकर कई बार सलमान खान से भी सवाल हुए, पर उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। अब सलमान द्वारा यूलिया को दिए गए इस तोहफे के क्या मायने हैं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म भारत ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार काम किया है। इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त है और इस फिल्म में उनके अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा काम कर रही है। ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। वैसे आपको सलमान और यूलिया वंतूर की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।